वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेट म्यूजियम में, जो कि बालूगली शाह जूलॉजिकल गार्डन के अंदर ही है। और आप जूलॉजिकल गार्डन में आने के लिए अलग से टिकट लेते हो, साथ में आपको स्टेट म्यूजियम आना है तो उसके लिए अलग टिकट है। एक अडल्ट के लिए 12 रुपीज़ है, साथ में अगर आप फ़ोन कैमरा यूज़ करते हो तो आपको वहाँ उसके लिए अलग से टिकट लेना होगा, जिसका चार्ज है 50 रुपीज़। तो चलो हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं जैन आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे एक और आर्ट गैलरी है जिसका नाम है इजिप्टियन आर्ट गैलरी। तो मेरे राइट में है जैन आर्ट गैलरी और सामने ही है इजिप्टियन गैलरी। तो हम सबसे पहले जाएंगे इजिप्ट गैलरी में, जहाँ पे बहुत सारी ममीज़ रखी हुई हैं और उस टाइम के जो पिरामिड्स थे वो सारे बनाए हुए हैं, बड़े सारे सिंबल्स अंदर दिए हुए हैं। तो पहले हम उसको विज़िट करेंगे और फिर हम जाएंगे जैन आर्ट गैलरी में। तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो बड़े बड़े से पिलर बने हुए हैं और पिलर में कुछ कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था कि ये सिंबल्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है। तो अंदर जाके मैंने देखा कि वहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है जिसमें इन सिंबल्स की मीनिंग दी हुई है। तो अगर आप इन सिंबल्स की मीनिंग देखना चाहते हो तो आप पूरी वीडियो देखो और उसमें देखो कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। बड़ी ही सुंदर आर्ट गैलरी है, मैंने पूरा म्यूज़ियम विज़िट किया। मुझे अगर सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कुछ लगा तो इजिप्ट आर्ट गैलरी लगी है। और लिटरली ये बहुत सुंदर बनी हुई है, आप इसकी चित्रकारी देख सकते हो कि कितना अच्छा पेंटिंग और कितनी अच्छी इसकी एंट्री बनाई हुई। फिर अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे उस ज़माने के बड़ा सा एक पिरामिड दिया हुआ है और साथ में मम्मी के सैम्पल्स दिए हुए हैं। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने देखा कि इजिप्ट में जिस गॉडेस की पूजा की जाती थी उसे आइसिस बोला जाता था, और ये है उनकी मूर्ति। और इनकी ही पूजा उस ज़माने में इजिप्ट में की जाती थी, इनको गॉडेस माना जाता था और सब इनकी ही पूजा करते थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सामने देखते हैं कि एक बड़ा सा शीशे का बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मम्मी रखी हुई हैं और साथ में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की हुई है। जैसे हमने एंट्रेंस पे देखा था सेम ऐसे ही सिंबल्स और चित्रकारी यहाँ पे अंदर भी की हुई है। अब हम बढ़ते हैं भारतीय यूनानी सिक्कों की तरफ। तो उस टाइम पे जैसे सिक्कों का जो कलेक्शन था वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे शक और पल्लव के टाइम पे कैसे सिक्के चलते थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुषाण काल के जो राजा थे उन लोगों के सिक्के कैसे होते थे। तो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, आप देख सकते हो। साथ में वहाँ पे कुषाण काल के जो राजा थे उनका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था वो सब दिया हुआ था। साथ में उनके सिक्के कैसे होते थे उस ज़माने में, गुप्त राजाओं के सिक्के कैसे होते थे, वो सारे सैम्पल्स आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप जूलॉजिकल गार्डन जाते हो तो डेफिनेटली आपको एक बार स्टेट म्यूज़ियम को ज़रूर से विज़िट करना चाहिए। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैं बहुत बार जा चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने सालों में पहली बार मैं स्टेट म्यूज़ियम को मैंने विज़िट किया, क्योंकि मैं जितनी बार भी जाती थी कभी बंद रहता था कभी कुछ रहता था, तो जिसकी वजह से मैं विज़िट नहीं कर पाती थी, इस बार मैंने विज़िट किया। फिर आगे बढ़ी तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक पूरा अच्छा सा पेंटिंग दिया हुआ था, पोर्ट्रे दिया हुआ था, जिसमें बहुत अच्छे से ये दर्शाया गया था कि पुराने ज़माने में लोग सिक्के कैसे बनाते थे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कैसे सांचों का इस्तेमाल किया जाता था, कैसे सिक्कों को बनाया जाता था, वो बहुत ही सुंदर सा एक पोर्ट्रे यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सारी आर्ट गैलरीज़ का मैंने कंबाइंड वीडियो डाला हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो और आप सारी आर्ट गैलरीज़ को विज़िट कर पाएँ। बाकी मैं आपको बोलूँगी पर्सनली कि आप इस आर्ट गैलरी को सामने से जाके देखिए, जितना मैं दिखा सकती थी आपको मैंने उतना दिखाने की कोशिश की, और अगर आप सामने से जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुराने ज़माने की सारी चीज़ें आप देख पाएंगे, पुराने टाइम पे कैसे पूजा होती थी, कैसे पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, कैसे मूर्तियों का निर्माण होता था। यहाँ पे 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में कैसे शोभा यात्रा निकाली गई थी उसका एक दृश्य दिया हुआ है। साथ में एक और दृश्य आप देख सकते हो, ये भी शोभा यात्रा का ही है। और फिर जगह जगह पे सिंबल्स दिए हुए हैं और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अलंकृत स्तंभ है जो कि 5वीं शताब्दी का है, और साथ में ये आप देख सकते हो विष्णु जी का एक रूप है
जिसमें विष्णु जी के एक रूप को दर्शाया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो शिव जी का रूप, उनकी पूरी फैमिली को, कार्तिकेय, गणपति जी और ये सारी चीज़ें, बुद्ध जी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप सामने से जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।